नमस्कार, मैं रचा सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे संबंधित डॉक्टर से, जो कि बताते हैं कैसे होगी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निदान। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू अभा हॉस्पिटल की प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया, जिनसे हम चर्चा करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेयर ट्रांसप्लांट का चलन इन दिनों काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोग काफ़ी बालों के प्रति काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं, तो किन किन तरीकों से होता है हेयर ट्रांसप्लांट? टू टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट मेथड, एक होता है FUE टेक्निक, दूसरा होता है FUT टेक्निक। FUE टेक्निक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे उनसे जुड़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ हमें मतलब ध्यान देने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो मैं उसको देखती हूँ कि वो फिजिकली फिट है ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए जब वो फिजिकली फिट होता है, उनका फिटनेस लेते हैं, उसके बाद हम उनका ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना समय लगता है? मतलब कि एक दो सेटिंग, पांच सेटिंग, मतलब हेयर के अकॉर्डिंग होता है या क्या, किस तरीके से होता है? हेयर ट्रांसप्लांट में सेटिंग्स मैक्सिमम दो करा सकते हैं, कुछ लोग करते हैं 3 सेटिंग्स में, बट आई प्रेफर एक ही सेटिंग में करा लेते हैं। दो उसमें टाइम लग जाता है, पेशेंट को ज़्यादा समय लग जाता है, बट पेशेंट को दोबारा वही प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। वन सिटिंग इज़ बेस्ट सिटिंग फॉर द पेशेंट। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय कुछ एज का भी ऐसी लिमिटेशन होती है कि मतलब इस एज के ही लोग करा सकते हैं, और उससे पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है हेयर से रिलेटेड, या कुछ हम इनटेक कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड? जब भी पेशेंट आता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, द डे जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस दिन उसको फिटनेस पहले तो हमें नीड होती है। देन दूसरी चीज़ कि उसने अपना मील अच्छे से लिया है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी हमें उसे लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर सब कुछ कराना होता है। तो जैसे पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो क्या उसे रुकने की भी ज़रूरत होती है? नो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि सुबह पेशेंट आया है, उसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो शाम को घर जा सकता है। लाइक 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, रात 12 बजे तक हुआ, 12 बजे ही कैन गो एट हिज होम। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है, तो इसका पूरा खर्च कितना आता है? अगर हमारे हॉस्पिटल में हेयर ट्रांसप्लांट कोई कराता है, तो उसका 70,000 से 80,000 तक उसका पूरा खर्चा आता है। उसको एक PRP, उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपीज भी होते हैं, जैसे कि PRPs वगैरह होते हैं, तो वो हम फ्री में भी देते हैं। मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप सी न्यूज़ भारत के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट कराना, उससे पहले हमें देखना चाहिए ना, जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है, उनको प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो जाता है। कभी कभी होता है हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, और कभी कभी हैबिचुअल, जो हम लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं, उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए पहले हमें इनिशियली यही ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे इसे क्योर कर सकें। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट सॉल्यूशन। वो एस्थेटिकली जिसकी चॉइस हो वो करा सकता है, जिसे बैलनेस नहीं पसंद है वो कराए, जिसे अपना बैलनेस ठीक लग रहा है, ही इज़ लुकिंग स्मार्ट, और ही और शी इज़ लुकिंग गुड। मोस्टली ये मेल्स में होता है, बैलनेस कंप्लीट बैलनेस बहुत रेयर फीमेल्स में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन मेल्स ओनली। तो जिसको जैसे रहना है, दिस इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक, खुद की खुशी से, खुद की, खुद पेशेंट क्या चाहता है कि ब्यूटीफाई, उसको अपने आप को ब्यूटीफाई करना है, वो हेयर्स लगवाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसको लगवाना ही लगवाना है। हम लोग सिंगल सिटिंग में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। मार्केट में आजकल बहुत मिथ है कि इसको कराने से कोई हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट हम लोग जो FUE टेक्निक करते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर किसी को काउंसलिंग करानी है, कराने से पहले जो भी क्वेश्चन है दिमाग में, आप न्यू आभा हॉस्पिटल आके विजिट कर सकते हैं, हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको कराना है तो ठीक, नहीं कराना है देन ऑल्सो ओके, क्योंकि जनरली नॉलेज भी होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़।